लौकी का जूस, सोरे का दूधी घिया का लौकी का जूस, और उसकी रेसिपी भी मैंने बता दी, स्वादिष्ट करके पी सकते हो आप। उसमें आप पुदीना, धनिया और थोड़ा सा नींबू डाल करके, लेकिन एसिडिटी हो तो नींबू नहीं डालना, फिर उसके बिना भी पी लेना। थोड़ा नींबू दो चार बूंद डालने पर तो वैसे एसिडिटी भी नहीं करता, उससे तो डाइजेशन अच्छा हो जाता है, एसिडिटी भी खत्म, कोलेस्ट्रॉल खत्म, फैटी लीवर कितनी समस्या है। देखो लौकी के जूस के फायदे, फैटी लीवर आज करीब करीब 80-90% लोगों का सामान्य, किसी का तो विशेष रूप से 50% लोगों का तो फैटी लीवर हो ही गया है, जिस तरह से जो खान पान बिगड़ा है। फैटी लीवर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, ओबिसिटी, इंडाइजेशन, पाइल्स, बहुत ज्यादा पसीना आना, बहुत ज्यादा गर्मी लगना, इन सब के लिए रामबाण है लौकी का जूस। वैसे आज से 20 साल पहले लौकी की इज्जत नहीं थी, हमने और बहुत से तो काम किए ही, लौकी को भी हमने इस देश में इज्जत दिलवाई, इससे किसान भी खुश है। लेकिन ये लौकी यदि ऑर्गेनिक होती है तो फिर पूरा लाभ होता। आजकल तो जिस तरह से दवाइयों से, और एक बड़ा विचित्र मामला मैंने सुना, बहुत से लोग तो पहले एक इंजेक्शन लगाते थे, आजकल तो गवर्नमेंट ने प्रतिबंध कर दिया उसके ऊपर, उससे गाय भैंसों की भी स्थिति खराब होगी, तो जो गाय भैंस दूध नहीं देती थी तो उनको इंजेक्शन लगा देते थे, दूध दे देती थी। वो गाय भैंस को दूध देने वाला जो इंजेक्शन था वो लौकी की जड़ में लगा दिया। ये बड़े खुरापाती होते हैं लोग भी ना, कि भाई ये लगा के देखते हैं, ये गाय भैंस तो दूध देती है, लौकी को लगाएंगे तो क्या करेगी, तो लौकी जो है रात को करके मोटी हो जाती है। तो मोटापा कम करने के लिए क्या करना, लौकी का जूस पियो, लौकी की, तोरई की और बाकी जितनी भी सब्जियां हैं उबाल करके खाओ, हाँ,